देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। औरंगाबाद गया जिले के सीमावर्ती पचरुकिया लंगुराई के जंगल में बुधवार को आईईडी विस्फोट से पैर में चरा लगने से कोबरा के सब इंस्पेक्टर रोशन कुमार घायल हो गए। बाद में पटना में इलाज के दौरान उनकी मौत भी हो गई। यह जानकारी कोबरा के एक अधिकारी ने दी। मृतक की पहचान लखीसराय जिले के गढ़शंडा निवासी मिथिलेश कुमार के 25 वर्षीय बेटे रोशन कुमार के रूप में की गई। कोबरा 205 बटालियन के एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना उस समय हुई जब सीआरपीएफ कोबरा व जिला पुलिस के जवान नक्सलियों की धरपकड़ के लिए सर्च ऑपरेशन कर रहे थे। आपको बताते चले कि गया एसएसपी राजीव मिश्रा ने बताया कि बुधवार की दोपहर नक्सलियों ने पचरुखिया लंगुराई के जंगल में फायरिंग की थी। इसमें कोबरा के जवान ने जवाबी कार्रवाई भी की थी। हालांकि सर्च ऑपरेशन के दौरान आईईडी मिले थे, उसमें से एक आईईडी विस्फोट कर गया। इस विस्फोट में कोबरा का एक जवान यानी कि रोशन घायल हो गए। रोशन को पटना इलाज के लिए भेज दिया गया था, लेकिन इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई। इधर लोगों के बीच चर्चाओं का बाजार गर्म है कि नक्सलियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस के जवान सर्च ऑपरेशन पर हैं। तो वही आपको बता दें कि गया औरंगाबाद के सीमावर्ती इलाके में नक्सल प्रभावित क्षेत्र पचरुखिया व लंगुराई में के जंगल में एक शक्तिशाली आईडी विस्फोट में शहीद हुए लखीसराय के जवान रोशन कुमार ने 2016 में सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर के पद पर ज्वाइन किया था। दिसंबर 2018 में रोशन सीआरपीएफ की कोबरा 205 बटालियन में आए और महज 2 महीने में ही नक्सली घटना में शहीद हो गए। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही, और अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव।